बिस्मिल्लाह। तो जी जनाब, जो ऐसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जब हम इसको शुरू करने लगेंगे कि कैसे ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे स्टेज बनाया जाता है, कैसे उसके सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलते हैं जनाब, आप लोगों को साथ लेके चलते हैं। यूनुस भाई हमारे मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उसके बाद जनाब मोहसिन बारी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने यूएन के लिए बहुत सारा काम किया और म्यूज़िक के हवाले से जानी मानी फैमिली है, और उन्होंने यूएन का आइडल टाइटल भी जीता हुआ है। यूएन आइडल का टाइटल भी इन्होंने जीता हुआ है 2011 में। तो गाइस, अब मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद करवा दूं। मेरा नाम फैजान, और अभी आपसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने शेयर की थी सारी चीज़ें कि हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं इवेंट को। अब हम अपने हॉल में पहुँच चुके हैं, और ये हॉल में देखें, ये हैं वो लोग जिनकी वजह से इवेंट को चार चांद लगते हैं। ये यहाँ से हमारा इवेंट स्टार्ट है कि आज अभी इसकी नीटनेस और जो इसको मेकअप जिसे बोलते हैं हम लोग, वो करवा रहे हैं अभी हॉल को। साउंड वाले साउंड अपना लेके आ गए हैं, SMBs पहुँच गए हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपसे अभी थोड़ी देर में शेयर करते हैं। स्टे विद है कि आज मैं आया हूँ यहाँ पे ख्वाजा एरोसोल्स कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड, उनका इवेंट है, ऑर्गेनाइज हो रहा है यहाँ पे। ये अभी आप देख रहे हैं SMDs लग रही हैं, उसके बाद ये साउंड का अरेंजमेंट हो रहा है, और ये सारी चीज़ें सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो बस अभी मैं जाता हूँ घर की तरफ और तैयार होकर वापस आता हूँ, और वापस आने के बाद इंशाल्लाह ताला इस ब्लॉग को भी कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से ये कंपनीज इवेंट होते हैं और किस तरह से ये सब कुछ किया जाता है। तो आप मेरे साथ रहिएगा, अभी कुछ ही देर में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। तो जी अभी इशा की नमाज का एक वक्फा आया, छोटा सा बीच में प्रोग्राम के बीच में, और मैं ज़रा बाहर निकल आया था थोड़ी खुली हवा खाने के लिए, और बस अभी वापस चलते हैं और वापस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा, इन्जॉय करते रहिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, खाने का ब्रेक हो गया, सब लोग खाने में मशगूल हैं, और इसके बाद अभी सिंगर्स की परफॉर्मेंस बाकी है, उसके अलावा मेहराब अली सिंगर हैं, उनकी परफॉर्मेंस बाकी है, विक्की अली हमारे बहुत ही फेमस स्टार, उनकी अभी परफॉर्मेंस बाकी है, तो अभी हमने वो भी करवानी है। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक आया खाने का, लोग बहुत देर से आए हुए थे, 6 बजे से आए हुए थे, तो यकीनन उनकी वजह से हमें ये सब कुछ स्टार्ट करना पड़ा। तो पूरा तो नहीं मैं बना पाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ पर होस्ट हूँ, लेकिन मैं जितने क्लिप्स बना पा रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं वो बना रहा हूँ, और इसको एडिट करके अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और मैं उनको दावत देना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी क्लैप कीजिए उनके लिए, ताकि वो खुशी महसूस करें आपको एंटरटेन करने के लिए आने में। तो मैं पहले सबसे पहले बताता चलूँ, मौजूद हैं उस्ताद अनवर मीठा साहब, और ड्रम्स पर हमारे साथ मौजूद हैं जावेद जेदो, और ढोलक पर हमारे साथ अरसलान मौजूद हैं, लीड गिटार पर मौजूद हैं इमरान अली बबी, और बेस पर हमारे साथ उस्ताद घराने से मौजूद हैं जिमी भाई साहब। तो इन सब के लिए एक तबाह तालियां होनी चाहिए।
किसको जाना जाने जाना स्लो मत बताएं क्योंकि यहाँ लेकिन उसके लिए भी आपके ताउन की जरूरत है। तो जी जनाब, इवेंट हो चुका है ख़त्म और आज के जितने भी इनाम थे एक झलकी दिखाता चलो उन इनाम की। ये देखिए, ये सब इनाम थे, उसमें उमरे के टिकट और दुबई के टिकट और बम्पर प्राइज, हज का पैकेज, और ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद थी और बहुत सारे लोग यहाँ से आज जीत के निकले हैं ये सारे इनामात। तो जनाब, इसी दुआ के साथ भी आप लोग रखेंगे अपना बहुत सा ख्याल। आरजे सोहेब हसनी साइनिंग आउट, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।